हेलो फ्रेंड, द क्रिकेट पांडे शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले ही हमने अपने चैनल पे R2H का जो नया टीजर आया हुआ था 1959 वीडियो नाम का, उस पर रिएक्शन दिया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था दोस्तों। 1959 एक तो टाइटल ऐसा है, पुराने टाइम का टाइटल ईयर लिया गया है, तो ऐसा लग रहा कुछ टाइम मशीन हो सकता है या वो एरा का ही हम स्टोरी हमको देखने मिल रहा है। स्पेसिफिक 1959 क्यों चूज किया गया वो हमको मालूम नहीं चला। बहुत ही लेकिन इंटरेस्टिंग ट्रेलर था। बहुत ही ऐसा लग रहा था कुछ थ्रिलर होगा, कुछ उनका कॉमेडी पंचेस तो जरूर होगा R2H टीम का, लेकिन हमको कुछ लग रहा है एक अच्छा स्टोरी देखने मिल सकता है। तो दोस्तों, फाइनली वेट इज ओवर। उनका R2H का जो ये वीडियो है, एक तरह से मूवी ही कह लीजिए आप, 1959 वो रिलीज हो चुका है उनके चैनल पे, तो हमने सोचा है क्यों ना उस पर अपना रिएक्शन दें। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, आइए 1959 एरा के टाइम चले जाते हैं, देखते हैं R2H हमारे लिए क्या लेके आया है। तो दोस्तों, आइए ये वीडियो देखते हैं, आइए। But sorry sir, I can't sell this product. It's too confidential sir. Okay sir, आप ऑफिस पहुंचे, मैं अभी वहां पर मिलता हूँ, वहां बात करते हैं। अनवर, I'm sorry बेटा, उस पर तुम्हें चोट भी लग सकती है, करंट भी लग सकता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं बस एक छोटा सा रोबोट ही तो बना रहा था डैड। बनाना जो तुम करे बनाना। सबसे बड़ी गलती करी हमने तो गाली दिला के, बाबूजी की 4 बीघा जमीन बेच दी, इतना तेल हम सब्जी में लगा रहे जितना तेरी गाली खा रही है। जा रहा हूँ बाबा मैं। हाँ जाओ ड्यूटी पे, पलंग मेरे लंड के रैपर। सॉरी सर, मेरी बस छूट गई है, मैं नहीं आ सकता। 5 मिनट में आ गया सर। तुझे हर बार कैसे पता चल जाता है मेरी बस छूटने का? अनवर, 100 रुपए दे दे यार पेट्रोल के लिए। पेट्रोल का जुगाड़ बिंजो ऐप से कर लेना। बिंजो? अबे बिंजो एक ऐप है जिस पर कैरम, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप और भी बहुत सारे 70+ गेम्स है जिन्हें खेलकर तो आराम से पैसे कमा सकता है। लेकिन वो जीते हुए पैसे मेरे अकाउंट में कैसे आएंगे? बहुत आसानी से UPI और पेटीएम के थ्रू अपने वॉलेट में कर सकता है। इस पे एक बिंजो स्टोर भी है, यहाँ से तू डोमिनोज और डिज्नी हॉटस्टार के आराम से वाउचर खरीद सकता है। बढ़िया यार ये तो। और सुन, इस पे तेरे जैसों के लिए ना एक स्पेशल वर्ल्ड वॉर टूर्नामेंट है जहाँ पर हारने पर भी पैसे जीत सकते। ये तो बहुत बढ़िया यार, अभी डाउनलोड करता हूँ। अब तो बता दे यार क्या काम करती है तेरी कंपनी? माँ चुराती है। अनवर, तू क्यों इतना चिड़चिड़ा रहता है? इतनी बढ़िया कंपनी है तेरी, इतनी बढ़िया जॉब है, इतना पढ़ा लिखा है तू, तू अपनी लाइफ से खुश है ना? एक और बात, तेरे से गल तेरे पापा से क्यों नहीं मिलती? अरे लेके बाहर क्या सुटकेस? ये तो अनवर का है, इसमें है क्या? साला रोज लेकर घूमता है इसे। बाइक नहीं है उसका, चेंज हो गया बिल्कुल फटा। और सुनो, 2 रैप सॉन्ग मेरे बेटे को मिलने चाहिए। अरे 3-4 गाने तो पहले हिट दे चुका है वो। अरे क्योंकि हमने सिखाया उसे रैप करना। राहुल मेरे बेटे, ये कैसे लगी? कुछ नहीं पापा। और ये कपड़े? बस ऐसे ही। अरे कोई डॉक्टर सत्तू को बुलाओ जल्दी। राहुल बेटे, आज तुम मेरे दोस्त की तरह लग रहे हो। पापा ये चश्मा हमें हमारे सन ने दिया था। पापा एक बात पूछो। हाँ बेटे।
दादाजी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो हमारे बीच में नहीं है? बात 1959 की है, जब अपने यह चमचमाता शहर एक बहुत पिछड़ा गांव हुआ करता था, जिसमें ना लाइट थी, ना बड़े बड़े रोड थे, ना मोबाइल था, ना फेसबुक थी, पर हाँ सौभाग्य थी, चारों तरफ खुशहाली थी। पुरुषोत्तम कालिक रुको जरा, अरे थोड़ा जल्दी आओ, गधी मरगिल्लों की तरह आ रहे हो। अरे कल वाला काम निपटा लियो ना अपना। हाँ निपटाए लिए हैं। अरे काम मसला है, काहे बिठाए अच्छी पंचायत? कदी कोनो बात हो, ये तो पंचायत के नाम पे शायरी का मैखाना खोल रखो। ये ऐसे कॉमेडी करो अभी। ये सुसरा क्या चीज लिया हो, पूरे गांव में दूर दूर तक ना है। सुनने में तो यारो ई का बाप ने जुतासी की जमीन बेच के युद्ध लाए हो। कुट्टू का रोला है, पूरा गांव आगे पीछे हो रहा। पंडू मुबारक हो, साइकिल पता नहीं है गुड्डू भैया, सेकंड हैंड न्यू साइकिल लाए। सेकंड हैंड ए मुन्ने भैया, हम भी चल रहे हैं साथ। का है पंचायत में ना ही जा रहे आप? कभी देखा वहाँ पंचायत में? नहीं देखा तो नहीं है कभी। तो फिर का है? अच्छा भैया तो नहीं दुधवा ले लीजिए हमारे पास से। कोनो जरूर ना तुम्हारे दुधवा का, किसी गरीब का लड़का देते हो? का है बार बार हमसे दुधवा के लिए पूछते रहते हो? अरे आप सरपंच जी का लड़का है ना? तो का हुआ, हमारी खुद का एक पहचान है मुन्ना। ये भोसड़ी का अगर सरपंच का लड़का ना ही होता तो यही दुधवा ला के इसकी कहाँ आती। ए भैया दुधवा है का? लंडवा है वाले होगा। देखा कभी ना, ये होता है कीमत चीज का जलवा। वो इतनी बड़ी पंचायत पर ये लड़का लोग तस से मत ना हो। छोटा का बोले गुट्टू जी जरा मैं लिखिए। ईका था गुट्टू, आज चले देखें क्या है ये बबल। लंडवा दे गया हमारा, जलवा कम ना हो जाए ई लड़का लोग के सामने। कौन लड़का लोग? ई लड़का लोग सब भाग गए, बाइक देखे हैं। किधर गए? अरे हमारी लुगाई कह रही है उसने तुम्हें दी और सांड ढलते थी वो भी उठा के। हम कह रहे हैं तुम्हारी लुगाई नम पे ना ही दी, तुम और पे झूठा इंजाम लगा रहे। आने तो सरपंच का हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। कहा दिक्कत है, काहे पंचायत बुलाए? सरपंच जी हमारी लुगाई ने जहाँ मुरली को दही और ये इनकार कर रहे हो के ना दही। हे बोल ले काहे ली वे, तुम्हारी लुगाई मर गई है का? हम धराती का बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा हमको लगा उदी ससुरे कहाँ मर गए थे कोनो पता ना। आज पंचायत चल लो, और ये पूरा गांव कहाँ है पता ना, कौन सुनेगा अब हमारी शायरी? अरे हम सुनेंगे सरपंच जी। तो सुनो, आती थी जाती थी देख के हमें मुस्कुराती थी। वाह 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 वाह। अरे आती थी जाती थी देख के हमें मुस्कुराती थी। अरे आती होगी भाई देख के तो भाग रहे हैं पागल हो गए तो भाई क्या बोलते हैं। ये देखा है ये एकदम बाप बेटे हैं। हाँ मुन्ना किधर गए हो? किधर गए हो? दूसरा रास्ता भेज दे, ये जाने वाला है क्या वहां पे? सुसरा किधर गए हो? ये भी आई है। दूसरा साथ मशीन लेके आया क्या? एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी
आज यार कौन सा है? तीस साल पक्का अंग्रेज हो, हमारे देश पे फिर से कब्जे होने वाला हो, अब तो गांधी जी भी न रहे देश में। हेलो, आज साल कौन सा है? 1959। देखते क्या है, मैं है डरो नहीं, कुछ नहीं कहेंगे हम तुमको। बाप बेटा ही है। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे हमारा नाम मुन्ना है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम पक्का हिंदुस्तानी हो? तुम इसको जानते हो? ये कहाँ है? अरे अरे, इसको जानते हो? ये कौन? मेरा बिछुआ जानता है। कहाँ है आपका बिछुआ? वो रहा। कहाँ है? अरे वो है तो तबेरा। जी बापू, उसको खड़ा कर रहा है। इंग्या। हाँ बापू। जी साला, बेचारा उसमें गड़ा करा दिए। तुम इसकी जगह खेत में पुतला भी तो खड़ा कर सकते हो। हाँ हाँ, पुतला भी खड़ा कर सके हैं, पर ई जिंदा आदमी खड़ा करने का योजना का पीछे एक ही कारण था कि बड़ा सा बड़ा जानवर खेतन से भाग सके और फसलें बची रहे, और फसल बची भी। बता रहे, बता बची के ना? हाँ जी बची। पर इस तरह से इसकी मौत हो सकती है धूप और गर्मी से। मरने दो, झुंडा तो फिर पैदा कर लोगे, पर ई फसल मर गए हो तो फिर पैदा ना होती। फसल बचे तो देश का अर्थव्यवस्था सुधरे। और ई का सुधीर, तुमरा तो बस गोई लोंडा मरो। दुई तो था सरपंच जी। दुई तो? साइकिल वाले हेड साथ चला गया का भाग भोसड़िया के गाल का रहा फ्रिक फ्रिक का उसका हो गया बुट्टू। यो तो कोई काम का गुत्ता भी ना पूछ रहा है। छलावा का कुछ करना पड़ेगा। कहा गुड्डू, कहा दिक्कत आ रही है? सरपंच जी, गुड्डू भैया को ई गांव में जलवा खत्म। कुछ नहीं सरपंच जी, गांव में कोनो हरे रंग का बवाल आया हुआ। हाँ कहा हुआ? ऊका तो बहुत समय से देखा ही नहीं। तनिक जल्दी ढूंढो, जाओ ढूंढो। सुना रे, तेरी बहन का भोसरा फिर से साहिरी। भाग कबीरा। साहिरी सुनोगे का? साहिरी कल सुना है? सरपंच जी, ई का मतलब है कल को भी सुनाइयो, आज भी सुनाइयो, रोज सुनाइयो। दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। वाह 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 वाह। वो दुल्हन बनकर रुखसत हो गई। वाह वाह वाह। कहाँ तक करोगे ऊ का पीछा? वो बेटी चोद किसी और की हो गई। वाह वाह, कहाँ शायरी है, कहाँ शायरी है यो? सुनो सुनो सरपंच जी। सुना रहे हैं, सुना रहे हैं। ये देख रहे हो, गांव में दीवाने हैं शायरी का। अरे हम सुनने ना सुनाने आए हैं। इरशाद इरशाद। जी सरपंच जी। अग बहुसरिया के उसका नाम है। चल कचरा। अरे बहुत बड़ा बात हो गया। कहा हो गया? अरे वो हो गया है जो सरपंच जिसे दो ही वर्ष में ना हो सको। हो जाएगा वो भी, अभी ढाई वर्ष की दवाई चल रो। फिर देखियो कैसे सांप के जैसा फन फना को। हम गुप्त रोग का बात ना कर रहे सरपंच जी। तो वो खेत में सीमेंट से निकला गुलाब, ऐतिहासिक किताब, हर हल्का जवाब, सच हुए मेरे खाब, खबरदार वफादार होशियार गली गन सबसे हार, परिवार कोई मसले में अटके तो सब जिम्मेदार। बहुत अच्छा गा रहे हो, किसने सिखाया? किसने का सिखाया, हम खुद लिखे। गाओ पूरा गाओ। गली गन सबसे हार, परिवार कोई मसले में अटके तो सब जिम्मेदार, तू आके देख ले मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, मैं रहूं सारी रात इंदाबाद, दारू पीऊं लगातार, फोन रख लिया बट बोली ना हो तो चार्जर। बोली ना तो चार्जर, तेरे बाप ने भी चार्जर देखा इस जमाने में? और क्या था, रहूं इंदाबाद। बेड़े में रहते हो भोसड़ी को, तुमसे बेड़े सही से ना बनने। देखो ये डिवाइन ने लिखा, और बता दो किसने तुम्हें सिखाया। भैया कोई नहीं सिखा रहा हमको, हम खुद लिखे।
माखनलाल जीदा पंजी सरपंच जी तो इंसान ही ना है। ये संभव ना हो सको। अब खेत में किसी को खड़े होने को जरूरत ना हो, ये हम भी लगवाएंगे अपने खेत में। पूरा लगान वाला म्यूजिक चल रहा है। ये कोई मेला लग रहा है, कुछ पता कितनी खतरनाक चीज हो सके, जो कोनो बम बम भी हो सके, गांव को उड़ाने की साजिश हो सके, ककाया सूझ गए चमड़े गल को। ये ससुरा सरपंच पहले हमारा तू लड़का खा, अब ससुरा सतना के पीछे पड़ो। पर सरपंच जी फसल का रक्षा का था, ये जिम्मेवारी हमारी पंचायत की है। पीछे खड़ा करा दिए बेचारी। आखन लाल कितनी बार बोले हैं कि तुम हमारा बाया हाथ हो, बाई तरफ रहा करो। और ससुरा पता लगाओ ये किसकी साजिश हमारे खिलाफ करते हैं सरपंच जी। और हरिया हाल चाल लग रहा हो ना? अब तो चूतिया लग रहा हो। ये चल कर आ गाँव में का बता। जल्दी पता लगाओ। जी सरपंच जी। माखन लाल यो ही का लग तो यो ही रहा भैया। तो धरो गन छड़ी पे। अरे अब लग गई का भैया। दोनों एक दूसरे को ही चला रहे। ये भाई ये घूम रहा पेट्रोल कब खत्म होगा मालूम नहीं। कबीरा पीछे से करो के। हमारे पीछे से नहीं, उनका पीछे से हमला करो। हमें तो वही होता है। तुमको क्या लगा था गुट्टू तुमको ढूंढ ना पाएगा? ए कबीरा पकड़ा जरा। वाह कबीरा वाह। ओ तो ई बवाल है। ये चलाएगा क्या? अरे भैया अरे भैया ये कहा है? अरे भैया अरे हिरण हिरण कबीरा तुम देखो कहाँ बैठे हुए हिरण। अरे ए कबीरा कहाँ होगा? हाँ जल गए। कैसे? अरे हिरण की गाल गरम हो रहा है। गुड्डू गुड्डू छोड़ दो उका। ए मुन्ना निकल लो ऐसे। ना गुड्डू इन्हें सब देख लियो है, ये कभी काम खत्म करना पड़ोगे पहले। नहीं मुन्ना का छोड़ दो। नहीं मुन्ना कौन है? जरूरत ना है तुमको रोने का, तुम बस हमारा नाम याद रखना मुन्ना। आ गया।
जब बजे सेंट्री। कौन है तू? तुझे पता ना गुड्डू कितना मारो? गुड्डू मार। मुझे लगता नहीं था कि मैं अब कभी वापस जा पाऊंगा। हिम्मत हार गया था मैं, अकेला पड़ गया था। जिसके सच्चे और पक्के दोस्त होते हैं ना, वो अकेला नहीं पड़ा करते। वाह क्या बात है। ना हिम्मत हारते, ना हमेशा तेरे साथ था, हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। हमें कुछ जरूरी बात करनी है, हमें 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो। ना जी ना, इस गांव के सरपंच का लड़का है, हम पूरी बात जानने का अधिकार है हमारा। मैं गांडू चला जा। क्या बोले? गांडू चला जा। ए मुन्ना भैया कहाँ है? मुन्ना ना बोलो हमको। तो कहा बोले? गांडू नाम है हमारो। बड़ा अच्छा नाम, हम भी रखेंगे अपने लल्ला को। अच्छा मैं ये कह रहा था, वापस चलते हैं। मशीन कहाँ वाली? वो तो मुझसे खो गई यार। शिट यार शिट। ये है तो इससे कर लेंगे ना ट्रेवल। एक मशीन से सिर्फ एक बंदा ट्रेवल कर सकता। कोई बात नहीं, हम उसको ढूंढ लेंगे। ध्यान से माखनलाल, कभी जहर उगल दो मुंह से। यो ससुरा मुंह से ना उगले है ये जानवर, जहर ये तो फन से उगले है। पहले फन ही दो वो जो। अरे ये तो भलान है। अबे इंसान है वो, तेंदुआ ना है भोसड़ी को। वाह क्या बात है। सरपंच जी, इमें आग लगा देते हैं। रे थम जा, कतई फैसलो तो होने दे पहले, तू ही बन ले सरपंच। पढ़ो और सरिया के फ्री फ्री का मार। जानवर ई ससुरे ने गांव में हड़दंग मचा रखो, ई के साथी को भी पकड़ेंगे, ऊ को भी मारेंगे। गांव की सुरक्षा के लिए कोना जोखिम ना उठाएंगे हम। ई तो फांसी दे दो सरपंच जी। ठीक है तो फिर ई को फांसी। सरपंच जी कोनो जरूरत ना है फांसी का। अरे वो गांव का सरपंच पास वाले, वो स्कूटर पे घूमा है पूरा दिन, रोला है साला का। और तुम टांगों में टांगो मार तो कुत्तों के तरह घूम कर रहो सड़कों पे। साला ना कोनो स्टैंडर्ड है ना कोनो बातचीत है। अरे ये गाड़ी है, इसको सीखो, इस लड़के से सीखो। का नाम है तोरा? प्लीज टेल दी रॉन्ग नेम। टोनी। इससे सीखो, रोला बनेगा पूरे गाँव में तुम्हारा, वरना मर जाओगे कुत्ता की मौत। साला तुम्हारी औलाद मरेगी, तुम मरोगे साला भूखा नंगा। अरे कुछ बनो, कुछ करो। दूसरा तो ये है ना। सरपंच आया, दिमाग लगाया था। अब तो होगा फैसलो, अब तो लगा दे आग। ससुरा सरपंच जी का फांसी कब देनी है? क्यों फैसलो बदल लियो? कितनी बार बताए कि ये गांव में पढ़ाई लिखाई करनो मनो है। कोनो हाथ में दोबारा कागज कलम दिखो ना तो हाथ कलम कर देंगे। चलो रे सरपंच जी, सरपंच जी ये कदम मत लेके जाओ। सरपंच जी, सरपंच जी।
का भैया कोनो परेशानी है का? कहाँ से हो? इससे पहले तुमने तुमको गांव में देखा नहीं? किताब पढ़ने का शौक है ना? तुमको कैसे पता? अरे भैया लेना है का? हैं? आओ तो आओ फोन में को हम देंगे तुमको। लो भैया लो जल्दी लो। समझो पुरुषोत्तम, सरपंच जी ने फैसलों का है बदलो है। सब समझ आ रहा साहब? का नाम है ससुर का? केटीएम। खत्म? हाँ खत्म। चलो रे। अरे बोसरिया के रोको रोको, उल्टी काहे चल रही है? आप उल्टे बैठे हो। सब पता है मन्ने, बहुत चलाई है। बहुत चलाई है साला, इतना देख रहा। बुड्डू हमें ना लग रहा ये काम करेगी। काहे ना करेगी, थोड़ा सा कम ताकत हो ही रंग से। देखो गुड्डू ये होता है जलवा, दो दिन का लल्लो सरपंच लेके घूम रहो और एक तुम हो कि बकरो गान ना मार रहो तुम्हारी। गुड्डू अगर गांव में जलवा वापस लाना है तो कुछ करो। तेज चल सको गई खत्म, बस ससरा गांव का आठ छाट आगे निकल लो। स्पीड मारो ठेका ये। दादाजी क्या हुआ? दादाजी क्या सोने लगी? सरपंच जी गाड़ी अब ज्यादा देर न चलेगी। हमारा रोलर कैसा जमेगा गांव में? तो इसे एक ही आदमी चला सकता है बस। कौन? वो जो पंचायत में था ना, ना वो ससुर को ना बुलाऊंगा। तो रहने दो फिर। ठीक है बुला ले। वाह वाह भाई अनवर, मजा कर दिया यार तूने, यार गजब कर दिया यार आज। और क्या बचाया यार तूने? और सुन तो, मैंने सरपंच जी को मीठी गोली देकर तेरे गांव में रुकने की बात कर ली है। क्या हुआ तू रो क्यों रहा है? आज मैंने वो पापा को। तूने अपने पापा को देखा? पापा तो हमारी उम्र के होंगे, क्या करते हैं वो? कहाँ देखा? हाँ देखा, और उनकी काली गाल को भी। क्या मतलब? गंदी है पापा, गाल उतार देते। तू पूछता था ना मेरी शक्ल मेरे पापा से क्यों नहीं मिलती? इसलिए नहीं मिलती। चल कोई नहीं, इस उम्र में ये शौक पड़ ही जाते हैं। हाँ, हैं तो मेरे पापा ही। मुझे पापा को एक चीज भी देनी है। ओह शायद वो टाइम मशीन वाला बुक हुआ जो इसको वापस दिया था बुक, शायद मुझे तो वही लग रहा है। क्या हुआ सरपंच जी? किसी ने बहुत भर कर एप्टो मारो।
सरपंच जी आपके ही मारा है? मेरे भी मारा है। ये देखो फिर मार दिया। सरपंच जी कोई छलावा है? छलावा? गांव के लोग नहीं चाहते कि आप गाड़ी चलाना सीखो, आपका रोला हो, इसीलिए किसी ने टोकटा करके आपके ऊपर छलावे छोड़ दिए। जलते हैं आपसे। बहुत सारी आगे जले तो हैं। जल्दी से कुछ फूक के इन्हें भगा दो। आज से इतने नजाकत से होते गए हम पुराने और जख्म ताजे होते गए। ताजे जख्मों ने खत्म कर दियो कई भूत और छलावे तेरी माँ। मैं मशीन ढूंढ कर लाता हूँ। है मशीन गाओ? कुछ नहीं, मैं रेडी होकर आता हूँ, चलते हैं। रेडी गाओ यार, मैं तैयार होकर आता हूँ, चलते हैं। ए भैया, काले रंग का बक्सा देखा है क्या? ना भैया, हमने ना देखो। भांडू कहाँ जा रहे हो और तुम क्या लंडे ले रहे हो इसके साथ? अबे चल भाई, काम लाऊंगे ये कहाँ भेज रहा हूँ? अरे मार ही रहे हो, मरवा हम रहे हैं, तुम दीवार में कहा करो। और साली इतनी मियाँ खाली पाना पीड़ी जितनी तुम पिटवा रहे हो, अरे खेत में जा जाके। और तू साले निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, घर जाओ यहाँ से। गंडी साला। बाबू 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 बाबू, गांव में गणी बेची थी और की सरपंच जी, कल दुई लड़का लोगन ने ही खत्म पैसे। लुढ़कते बड़कते देख लिया तुम्हें, पूरे गांव में ऐसा ढिंडोरा पीट दो। सरपंच जी हो गई ठीक, बैठो पीछे। बैठो ने, अभी को हम चलाएंगे, तुम पीछे बैठो। चलाएंगे नहीं, पूरे गांव में उड़ाएंगे। कबूतर ना चोड़ा दोगे? कबूतर कुछ तो यही मौका है, ये जानवर को यही खत्म करने को। और कुछ दिनों बाद सरपंच की निगाहों में तेरा रोला होगा और सरपंच तुझसे बहुत खुश होगा। कबूतर भी उड़ाए हैं, और ऐसो ऐसो कबूतर उड़ाए है, उड़ते उड़ते पकड़ो भी है। एक तो ऐसा उड़ रहा था यू, और यू उड़ता हुआ लिया था। काम घुसेड़ दियो, ये नजरिए का हमारा तो नसीब ही खराब है। चल ले जा पीछे से, उधर है दाना नींद। अरे किसकी माँ चुद को, अगर मिल गया ना तो कुट्टी काट देंगे। आओ सरपंच जी बैठो आगे। अरे बैठो ना, अभी तो तुम उड़ाने कह रहे, हम ना बैठो जाओ। तुम्हारे बापू की मौत इन दवाइयों की वजह से हुई है। दवाओं से किसका मौत हो? दवाइयों से नहीं मरते, पर एक्सपायर दवाइयों से मरते। ये एक्सपायर का हो? तुम पढ़े लिखे होते तो तुम्हें पता होता कि एक्सपायर का होता। पीछे लगा उड़ता हुआ तीर लगाया उसको। सत्तू सुनकर, ऊपर वाला विनोद की आत्मा को शांति दे। सरपंच जी आज हम पढ़े लिखे होते तो अपने बप्पू को बचा लेते, तो ये एक्सपायर दवाई अपने बप्पू को ना देते। ए सत्तू, मौत को कोई ना टाल सको, ना कोनो दवा ना कोनो शिक्षा।
कहाँ पे हो? हे डोली भैया, कुछ सुनाओ ना। भैया को भी नींद आ रही है और हमको भी कुछ सीखना है। कुछ लिखे होगा आज? सुनो, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूँ, मैं वो लुंडा नहीं जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। व्हाइट की नहीं लाया हूँ, तुझे पिक कर लूँ, देख लूंगा तेरे आशिक और टीचर लू। गाओ। मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूँ, मैं वो लुंडा नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। व्हाइट गंडी ला मुन्ना, व्हाइट गंडी नहीं, व्हाइट गिनी, मतलब व्हाइट लैम्बोर्गिनी। छोटा गंडी हो या बड़ा गंडी हो, है तो गंडी ना टोली भैया। गंडी नहीं, गिनी। एक कार है जो कि बहुत लंबी होती है। तो भैया हम दोबारा सुनाए। गाओ। मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूँ, मैं वो लुंडा नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। ये साथ गंडी लाया हूँ। मुन्ना, ये साथ कहाँ से आ गया इसमें? भैया हम अभी सीख रहे हैं तो कुछ भी डाल देते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारी क्लास आज यहीं खत्म होती है, कल सिखाएंगे। ठीक है टोनी भैया। टोनी भैया, उसको लगा है दबा के पीछे घुसा था, उड़ता हुआ तीर लिया था उल्टा कर। क्या होगा ये, कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या है तुम? हमको पढ़ना है बेटे अनवर, कभी भी किसी की मदद करने से पीछे। अनवर भैया, ये रहा तुम्हारा बोर्ड। देखो सत्तू, पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। खैर, हम सबसे पहले पढ़ाई में शुरू करेंगे अपनी भाषा से, हिंदी। हिंदी भाषा में सबसे पहले होता है छोटा बड़ा। हमारा तो बड़ा सत्तू, अक्षर है ये, छोटा बड़ा। ये देखो कैसे होते हैं, ये है छोटा, ये बड़ा, ये क्या है? छोटा। गुड, ये क्या है? बड़ा। टोनी भैया, हम आपसे कहे ना, हम एक रैप लिख रहे हैं, हमने 15 दिन में लिख लियो है, सुनाएगा? हाँ सुनाओ। ये सुपर मुन्ना रैपर, लेट्स गो। काम मेरा मुन्ना, बाकी कहते काम तेरा, बस मुन्ना घूम कर देखो है ये मैंने पूरा गांव। यहाँ अनपढ़ है सारे बच्चों से ले करता हूँ, खाब है ये मेरा, बन जाऊंगा एक दिन रैपर और बदल दूंगा इस गांव की तस्वीर, और होगा हर बच्चे के हाथ में पेन और कॉपी पेपर। ये बॉय मुन्ना रैपर। वाह मुन्ना, तुम तो बहुत जल्दी सीखने लगे। तो 2 × 3 कितना होता है मास्टर जी? 6। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 12 × 28 कितना होता है? 40। अरे वाह पापा, बहुत अच्छे। इरशाद सरपंच जी, काम के लिए भला चाहो है। अब बताओ ये है घटा का। मागनलाल जी, 4 घटे तो क्या आएगा, कहाँ चल लो है? नहीं चल कर रहा हुआ, सरपंच का मान मर्यादा का कौन ख्याल ना है, पढ़ाई चल रही है। मागनलाल, औकात में रहो अपनी। हम अपनी औकात में ही है, शायद तुमका पता नहीं है, हम सरपंच का बाया हाथ है। बाया हाथ पता है ना किस काम में आता है? तो हमें बताओ किस काम में आता है? गाड़ धोने के। ले लिया इसको। ए मास्टर, अब हम तुमको बताएं, हमारा काटा पानी कौन मांगतो है? मांगेगा कैसे, सारे पानी से तो ये गाड़ धो देता है ना सरपंच की। ये जानवर ने हमारे गांव में रोला खत्म कर दियो है। इनका अलग चल रहा है, गांव का कोनो आदमी पलट के नहीं देख रहा है। आदमी छोड़ो, कोनो कुत्ता गांडी मार रहा है। अरे कुत्ता छोड़ो, कोनो बकरो गांडी मार रहा है। समीरा, इनका लग रहा है तुम लिखते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर तुम पिलो और हुक पर काम कर लो तो मजा आ जाएगा। ये हुक नहीं, सोंग में हुक। क्या हाल चाल है मुन्ना? बढ़िया बढ़िया, मौसम अच्छा नहीं हो रहा आज को। कबीरा, कबीरा ये क्या कर रहे हो, पागल हो गया? मुन्ना तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है।
कबीरा छोड़ो उनको कबीरा। गुड्डा टोनी भैया तुम निकलो। मुन्ना मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊंगा। टोनी भैया हम आ रहे हैं आपके पीछे पीछे, निकलो तुम यहाँ से। टोनी भैया निकलो। सांप बाल रखो था इसकी यो मजाल। सी इज स्लीपिंग। तो बच्चों हमने इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज किया है। मैं जा रहा हूं खा रहा हूं। मार्टन सुअर का बच्चा साला, कल का लौंडा तू हमारे खिलाफ जागा। पोतोई के मुंह पे कालिक और बांधो ढोरों से, और घुमाओ ससुरे को पूरे गांव में, और दिखाओ कि सरपंच के खिलाफ जाना कितना गलत हो सके। ले कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? पापा मुन्ना का मुन्ना गाँव हमारे मुन्ना को गुड्डू और कबीरा बांसों के खेत में से जान से मार देंगे। राहुल मेरी बात सुन, तू वापस निकल यहाँ से। मैं तुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैंने तुझे बताया नहीं मुझे मशीन मिल गई थी, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ ये सब ठीक करके। अब जाना। क्या है प्लानिंग, कैसे जाएंगे दोनों? तू पापा और दादाजी को बचा लेगा ना? भरोसा रख। मुन्ना और सरपंच जी की जान खतरे में है, हमें चलकर उन्हें बचाना होगा। हम कहा जाएंगे उनको बचाने? उनकी वजह से दूर मर गए, उनकी वजह से हमारा बाप मर गो। हम का हमारे पढ़ाए थे उगलियो, हमका पुतला बनाया पूरे धूप में खड़ा किया, सरपंच हमको पूरा ककड़ी बनाए दियो। शिक्षा में ये नहीं सिखाती। ये दोनों को बचाएंगे ना? पता है सरपंच, हमारी दुश्मनी तुमसे ना थी, हमारी दुश्मनी वो जानवर से थी। का नाम है उसका? टोनी। टोनी तुम्हारी गलती ये होगा कि तुमने उसको घर पे जगह दी। आगा तो जरूर मरोगे और तुम भी मरोगे। फिर हम बनेंगे ई गांव के सरपंच। पिटेगा सारे लोग। बाबूजी तुम ठीक तो हो ना? हाँ मुन्ना हम ठीक है, तुम ठीक हो ना? जी बाबूजी। मुन्ना तुम अभी भी गलत रास्ते पर हो। बाबूजी हमें कितना पढ़ाई लिखाए पर हमरी दुई पैसा की नौकरी न लग सको। बाबूजी के बुरे वक्त में हम उनका सहारा न बन सको। बाबूजी ई सदमे में ही चले गए। तुम्हें तो सब पता है ना मुन्ना? बाबूजी आज शायरी ने सुनाओगे का? अरे बिल्कुल सुनाएंगे मेरे बेटे। सुन, मोहब्बत में हम ऊ की ई का मुजरा चल रहा यहाँ। हे कबीरा ऊ ना आगा, खत्म करो ये बाप बेटे का खेल।
ये तो भागे यार। बहुत
पहन ले, छपरी बनने में कमी आ रही होगी। साले सूट दूंगा। अरे दादा की उम्र का हूँ। हरिया लुधिया। हे गाइस, तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि लाइक करना है। 3 महीने लगे यार वीडियो बनाने में, बहुत टाइम लगा है, तो एक लाइक करे बिना मत जाना। और वीडियो को शेयर करना है और चैनल करना है सब्सक्राइब। और गाइस आपको मैं बता दूं कि आपको कमेंट करनी है नीचे, और विंजो ऐप को डाउनलोड करो, उसमें 70 से ज्यादा गेम्स है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो खत्म, टाटा बाय। ऑस्कर है ये राउंड, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ले लेते हैं। बाय बाय वसीम भाई, बाय बाय। पेमेंट तो कार्ड से करोगे ना? हैं, जो कार्ड का हो। मजा आ गया दोस्तों, बहुत ही अच्छा था, लाइक बहुत ही अच्छा कंटेंट था। एक्चुअली ऐसा है कि दोस्तों इजीली ये बिग स्क्रीन के लिए बना है ऐसा लग रहा है, या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो वेब सीरीज जैसा बनता है वैसा है ये कंटेंट, या जो शॉर्ट फिल्म बनते हैं वैसा कंटेंट है। सिर्फ ये यूट्यूब तक ये मुझे लगता नहीं, RPS का जो टीम है सीमित रहेगा। मुझे लगता है ये लोग और भी ऊंचाइयां हासिल करेंगे, मुझे लगता है इनको बहुत ही और ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। जबरदस्त टीम है दोस्तों, उनका एक्टिंग आप देख लीजिए, या जो कंटेंट है इतना मस्त है, कॉमेडी ह्यूमर यूज हो रहा है, बट एक अच्छा स्टोरी है। इस टाइम तो बहुत अच्छा मैसेज भी दिया गया कि स्टडीज, पढ़ाई कितना, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। मेडिसिन के एक्सपायरी डेट के बारे में बताया गया, बहुत अच्छा था दोस्तों, मुझे तो बहुत मजा आया देखने के लिए। लास्ट में इमोशन था। फ्रेंडशिप के बारे में दोस्तों देखिए बोला गया कि दोस्त कभी भी किसी जो, अगर अच्छा जो सच्चे दोस्त होते हैं कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, तो बहुत ही अच्छा था दोस्तों। लास्ट में इमोशनल भी किया, जो भी मेन लीड थे दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मजा आ गया। जो मेन जो थे उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। ओवरऑल दोस्तों हाईली इम्प्रेस्ड, बहुत ही अच्छा है ये 1959 का स्टोरी। मुझे लगता है और भी इनका इससे रिलेटेड हो सकता है स्टोरी है, लेकिन ये बहुत मजा आया दोस्तों। अच्छा ये 50 मिनट्स दोस्तों ऐसे ही पार हो गया, पता भी नहीं चला है, ऐसा लग रहा था और भी शायद हम देख सकते थे ऐसा लग रहा। होप दोस्तों आपको भी अच्छा लगा हो ये वीडियो और हमारा रिएक्शन भी। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।